गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम करेंगे आपका पार्ट 11 जो कि है पर्यायवाची शब्द, जो कि आपकी हिंदी ग्रामर बुक से है। हिंदी ग्रामर बुक का पार्ट 11 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। पर्यायवाची होता है एक ही शब्द का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक तरीके से हम इन्हें समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक ही जैसे शब्द होते हैं, मतलब एक ही के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे आपका नाम होगा, आपको घर पे एक मम्मी अलग नाम से बुलाती होंगी, पापा अलग से बुलाते होंगे प्यार से, नाना अलग से, नानी अलग से, तो ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। जैसे ये फूल है, ठीक है, फूल है, आपको क्या दिख रहा है, ये फूल। अब फूल के कितने सारे नाम है, सुमन, कुसुम, पुष्प, फूल। ये सूर्य है, सूर्य है, इसे कितने सारे नाम है, रवि, भानु, सूरज, सूर्य। तो कुसुम, पुष्प और सुमन, इन सब शब्दों का अर्थ फूल है। ये सारे के सारे फूल हैं, ये सारे के सारे सूर्य हैं। रवि, सूर्य, भानु, इन सब शब्दों का अर्थ सूरज है। क्या है इसका अर्थ, एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कैसे कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। पर्यायवाची शब्दों की तालिका, आकाश, गगन, नभ, अंबर, रात, रात्रि, रजनी, निशा, पानी, जल, नील, सलिल, माता, अंबा, मां, जननी, आंख, नयन, नेत्र, लोचन, चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, धरती, जमीन, भूमि, धरा, मनुष्य, आदमी, मनुष्य, नर, राजा, नर, भूप, नरेश, पुत्र, सुत, बेटा, तने। ओके, ये सब के सब क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है। आकाश है, आकाश के इतने ही सारे नाम हैं। रात है, रात के इतने ही सारे नाम हैं। अलग अलग जगह पे या अलग अलग लोग अलग अलग भाषा का यूज करते हैं, अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ऐसे ही पुत्री, पेड़, पहाड़, मित्र, आग, ईश्वर, घोड़ा, पक्षी, कमल, सुबह। ओके, ये सब सारे क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखो, चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब चित्र तो इन्होंने एक ही दिया हुआ है, क्या है ये चित्र, चांद है, ये पेड़ है, ये राजा है। राजा कैसे पहचाना हमने, क्योंकि इसके सिर पर मुकुट लगा हुआ है। ओके, चांद है तो चांद क्या है, चांद है, शशि है, राकेश है। पेड़ है तो क्या है, पेड़, तरु, पादप, राजा, नर्प, भूप, राजा। ये तो बेटा इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन इनके और भी नाम हैं। ओके, ये सब के सब क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू बेटा।